सबसे पहले आपके जहन में आता है, और औरत खुद एक पूरा वजूद है। और मैं समझती हूँ कि हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में पिछले अगर आप एक डिकेड से देखें तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से। और ये है कि जहाँ पहले सिर्फ 0.2% अगर आप रिकॉर्ड देखें तो सिर्फ 0.2% औरतें थी जो कि बाहर आती थी, सोशल प्लेटफॉर्म पर आती थी, अपने लिए आवाज़ उठा सकती थी। लेकिन आजकल जैसे वैसे फेमिनिज़म को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि फेमिनिज़म जैसे जो चीज़ें हैं उनकी वजह से औरतों को बहुत मौके मिले कि वो आगे आएँ, अगले प्लेटफॉर्म्स पे आएँ और सिर्फ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हमारे पाकिस्तान की मदद करें। आप देखें हर लिहाज, हर प्लेटफॉर्म पे आपको औरतें मर्दों के शाना बशाना नज़र आ रही हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है हमारे मुल्क के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे एक आप कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्क के लिए बहुत एक बड़ी चीज़ है। औरतों का ना किरदार हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक है। औरतों की भी उतनी अहमियत हासिल है जितनी मर्दों को हासिल है। अगर औरत आगे बढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, तो उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। ना कि ये करना चाहिए कि तू बैठ जा, तू रोटी बना, तेरे लिए सिर्फ यही काम है ना। मतलब दबाना नहीं चाहिए, उसके हुनर को नहीं दबाना चाहिए। अगर उसे जो भी काम आता है उसे वो करने देना चाहिए। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सारे माँ बाप से कि भाई अपनी बेटियों को बढ़ने दें। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मामा पापा ने मेरे ऊपर कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। उन्होंने कहा हदूद के दायरे के अंदर रह के जो दिल चाहता है वो करो। बींग अ वूमन और बींग अ गर्ल, मैं ये फील करती हूँ कि मतलब मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जहमत आ रही है कि मैंने अपने मुल्क को कैसे, मतलब अपने मुल्क के लिए मैंने कुछ करना है। क्योंकि हमारे यहाँ एक वो है ना सेट बैक है कि जी सिर्फ मर्द ही आगे बढ़ सकते हैं और औरतें नहीं बढ़ सकती, औरतें सिर्फ घर में रहने के लिए है। तो मेरे ख्याल से हर औरत के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने खुद अपने आप को मनवाए इस माशरे में। जैसे हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इस बारे में पढ़ाया जा रहा है एम्पावरमेंट पे और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। तो अगर हम फेमिनिज्म का ट्रू कॉन्सेप्ट देखें तो मैं बींग अ वूमन मुझे बहुत पसंद है। और अगर जो लोग इस ट्रू कॉन्सेप्ट पे खड़े हुए हैं, नो डाउट कि वो मेरे हिसाब से कि ऐसी कोई भी बात नहीं है कि फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत बुरा है। मगर आप देख रहे हैं कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम रहते हैं तो यहाँ पे इसे डिनाई करने वाले और इसे बिट्रे करने वाले बहुत से लोग हैं, तो उसे देखने चाहिए। और ये हमें खुद इतनी सेंस होनी चाहिए कि हम डिस्टिंग कर सकें कि कौन सी ट्रू फेमिनिज्म है, कौन सी रेडिकल है और कौन से फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट जो ट्रू फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए बेटर, हम उसे अडॉप्ट करें। इक्विटी होनी चाहिए बिटवीन द मेल एंड फीमेल, नॉट इक्वालिटी, इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये है कि कुछ काम होते हैं जो सिर्फ वुमेंस कर सकती हैं और कुछ सिर्फ मेल्स कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब वुमेंस वॉलंटरीली आके कहें कि हम मेल्स के बिल्कुल बराबर हैं, मेल्स वॉलंटरीली कहें कि हम वुमेंस के बिल्कुल। एक वीडियो जो काम आप कर सकते हैं वो आप करें, जो आप कर सकते हैं वो आप करें। औरतों को भी पूरे हकूक मिलने चाहिए, औरतों को भी इख्तियार होना चाहिए कि वो जॉब करें और जॉब करके अपने पाँव पर स्टैंड हों। हमारे कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर औरतों के उनके हकूक नहीं जाते, उनको स्टडी नहीं करवाया जाता कि लड़कियाँ, लड़की का काम है सिर्फ वो घर रह के काम करें और बस बच्चों को संभाले और घर को देखे। लेकिन हमें उन मर्दों के आगाही देनी चाहिए कि औरतों के भी उतना इख्तियार हासिल है जितना के मर्दों का है। उनके लिए चाना बिछाना काम करना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो भी अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके। ये जो आगाही देने का सिलसिला है ये कहाँ से शुरू होगा? मतलब कि अपने घर से शुरू होगा ना, सबसे पहले हम अपने घर पे शुरू करेंगे, देन ही हम अपने मुल्क के तक आगे तरक्की कर सकेंगे। हम ये नहीं हम कह सकते कि वुमेन एम्पावरमेंट की वुमेन को एम्पावर करने की ज़रूरत है, देयर ऑलरेडी पावर्स, वो खुद अपने आप में पावर है। लेकिन हम लोगों की सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब कुछ गलत लेते हैं लोग, कि बहुत ज़्यादा या फिर एक्सट्रीम भी चल जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा उसको लो कर लेते हैं। हम लोग पावर हैं बट हमें मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वी नीड आवर पेरेंट्स, हमें मेन चाहिए होते हैं, चाहे वो हमारे फादर्स की सूरत में, हमारे ब्रदर्स की सूरत में, चाहे हमारे भाइयों की सूरत में, वी नीड देम। बट यस वी आर पावर्स, हम अपने आप पावर हैं, हमें किसी और के पावर की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। खवातीन की पावर क्या है? खवातीन की पावर क्या है? आई थिंक खवातीन की पावर सबसे पहले ये है कि उनकी फैमिली, उसके बाद वो स्ट्रेंथ है, अपने आप में स्ट्रेंथ है, उनकी तालीम पढ़ाई। सेकेंडली ये कि सबसे ज़्यादा ये उनको जो कहते हैं कॉन्फिडेंस देती है कि उनकी पढ़ाई, दैट दे कैन डू समथिंग। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे माशरे में बहुत ही ज़रूरी है। औरतों को उनके हकूक़ के बारे में पता होना चाहिए कि उनके हकूक़ क्या है। और वुमेन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, हमारे माशरे में औरत को कमज़ोर समझा जाता है लेकिन मेरी नज़रों में औरत बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। आज की जो औरत है उसे अपने पैरों पर खड़ा होना आता है, उन्हें ये पता है कि हमें माशरे में कैसे जीना है और औरत को ये सब कुछ पता होना चाहिए इस बारे में।
देखें आजकल जो वुमेंस हैं वो मर्दों के चाना बचाना काम कर रही हैं, वो भी घर से बाहर निकलती हैं अपनी फैमिली के लिए और अपने शौक के लिए भी निकलती हैं। तो जितनी इम्पोर्टेंस इस ज़माने में मर्द की है, आज औरत भी जो है मर्द के चाना बचाना चल रही है, और जितना इम्पोर्टेंट मर्द के लिए बाहर निकलना उतना ही औरत के लिए है। जब औरत बाहर निकलती है तो क्या उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं हो जाता, घर के काम भी और बाहर के काम भी? तो औरत ने अपने आप को उसमें बर्डन में ज़्यादा तो नहीं डाल दिया? बर्डन तो नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है औरत को इस काबिल बनाया है कि वो दोनों चीज़ों को हैंडल करके चल सकती हैं। वो अपने बच्चों को भी संभाल रही हैं, वो अपने इन लॉज को भी संभाल रही हैं, अपनी पूरी फैमिली को चला रही हैं, तो उनके ऊपर तो कोई बर्डन नहीं है। बहुत एफिशिएंटली वो ये काम कर रही हैं। मतलब जो ख्वातीन घर से बाहर निकल काम करना चाहती हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करती हैं? जी, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी। बींग अ वूमन जो है, मैं भी घर से बाहर निकली हूँ और एक पुलिस फोर्स का हिस्सा हूँ, और मैं हर वुमेन को जो है वो यही कहूँगी कि उनको बाहर आना चाहिए और माशरे में अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि जो ख़वातीन बहुत मेहनत करती हैं और मतलब उन्होंने वर्किंग लेडीज़ जो हैं, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं खुद ये एक ऐसा काम कर रही हूँ और मैं एक शेफ़ के तौर पर अलग से भी मुख्तलिफ मेरे हैं, मतलब कुकिंग वगैरह करती हूँ। अगर कोई मुझसे प्रॉपर हाइजीन के हिसाब से कुछ बनवाना चाहे वो घर से भी मैं डिलीवर करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि सब औरतें इसी तरह बाहर आएँ और अपना जो टैलेंट है वो सामने लेकर आएँ। मैंने तो देखा है कि यहाँ पर स्पेशली सेफ सिटी में, तो मैंने देखा है कि हर बंदे ने मुझे अप्रिशिएट किया और मेरी इससे बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मुझे ये भी लगे कि मुझे जॉब ना करने की ज़रूरत हो तो भी यहाँ पर जब भी जॉब की अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। मैं बींगा पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर बताना चाह रही हूँ कि जब से मैं इस जॉब में आई हूँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हुआ है और बहुत अच्छा फील करती हूँ। अब मुझे उस तरह का डर नहीं लगता कि मैं औरत हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकती, मुझे बाहर किसी को फेस नहीं करना। सारा कुछ हम करते हैं यहाँ पे, और औरतों का आपको पता है हर डिपार्टमेंट में आजकल काम कर रही हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हुआ है इस डिपार्टमेंट में आके। माशरे में औरतें काम कर रही हैं, उनके इज्जत में इजाफा हो रहा है, इससे वकार में भी इजाफा हो रहा है, उनका स्टेटस बहुत हाई हो रहा है, तो उन्हें काम करते रहना चाहिए, काम करना चाहिए मर्दों के शाना बशाना। ज़रा भी उनको ये फील नहीं करवाना चाहिए अपने आप को कि मैं औरत हूँ, मैं मर्दों के बराबर नहीं हो सकती। उन लोगों की अपनी सोच है, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है।